राधे राधे, आज मैं ये देखो फ्लावर स्टाइल में प्यारी सी 0 और 1 नंबर के ठाकुर जी के लिए प्यारी सी ड्रेस लेकर आई हूँ। ये आप बड़े ठाकुर जी की बना सकते हो। ये बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। देखो, मैंने इस तरह एक घुमावदार ये फ्लावर की पत्ती बनाई है। ये देखो ऐसे, ऐसे ये देखो, और इसमें ये खिली हुई पत्ती बनाई है। ये बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। देखो, इसमें हम सबसे पहले 14 चेन बनाते हैं। एक, दो, देखो ये छोटे वाले ठाकुर जी की चोली को मैं हाफ क्रोशे से, हाफ डबल क्रोशे से बना रही हूँ। देखो, मैंने ये 2 चेन छोड़ी, तीसरी चेन में मैं ये हाफ डबल क्रोशिया बना रही हूँ। अभी मुझे हर एक चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है ऐसे। ये देखो, हर एक चेन में हाफ डबल क्रोशिया ऐसे। देखो, हाफ डबल क्रोशिया में हम इन तीनों लोग को एक साथ निकाल देते हैं। देखो, जैसे हमने ऐसे क्रो ऐसे ऊन ली, चेन में इसको ऐसे डाला, अब इन तीनों लोग को एक साथ निकाल रहे हैं। ये हाफ डबल क्रोशिया हो गया है। इससे छोटे कान्हा जी की चोली बहुत अच्छी बन जाएगी ऐसे। आपको हर एक चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाना है ऐसे। देखो, मेरी ये एक लाइन पूरी हो गई है। अब मैंने इसमें 2 चेन बनाई। अब मैं इस चेन में, पहली चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया, इस पूरी पूरी चोली को मैं हाफ डबल क्रोशिया से बनाऊंगी, और फिर बाकी सभी चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया ऐसे। ये मैं 2 हाफ डबल क्रोशिया हर एक चेन में बना रही हूँ। देखो ऐसे, इस तरह मुझे ये लाइन पूरी करनी है। देखो ऐसे, मेरी ये दूसरी लाइन भी पूरी हो गई है। अब मैंने ये सब गिने हैं तो ये 22 हैं, लेकिन मुझे, अगर मैं चार्जर करती हूँ तो मुझे 24 चाहिए, तो इसलिए मैंने सबसे पहले 2 चेन बनाई और मैं यहाँ पर 4 हाफ डबल क्रोशिया कर रही हूँ। एक, दो, तीन, चार। अब मैं 4 ही यहाँ पे छोड़ रही हूँ, 1, 2, 3, 4। अब बीच में मुझे 8 चाहिए, इसलिए मेरे 2 कम हैं, तो मैं 2 यहाँ पे कहीं भी बढ़ा लेती हूँ। 2, 3। अब मैं यहाँ पे 1 में 2 करती हूँ, 4 हो गए। 5, 6। अब फिर मैं 1 में 2 कर रही हूँ, 7, 8। इस तरह मेरे 8 पूरे हो गए। अब मैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4 चार छोड़ती हूँ, और फिर मुझे 4 में 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। 3, 4। ये देखो, ये हाफ डबल क्रोशिया से छोटे से कान्हा जी की चोली बड़ी नहीं होगी। ये देखो, ये चोली भी छोटी सी बनी है, क्योंकि हमें 0 और 1 नंबर की कान्हा जी के लिए बहुत छोटी चोली चाहिए होती है ये ऐसे। अब मैं यहीं से 2 चेन बनाकर, पहली चेन में 1 हाफ डबल क्रोशिया और दूसरी चेन में 2 ऐसे। अब मैं हर एक चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया बना रही हूँ ऐसे। ये देखो ऐसे, ये मेरा यहाँ से घेर शुरू हो गया है। ये आपके कान्हा जी को बहुत अच्छी परफेक्ट चोली आएगी, छोटे कान्हा जी को। देखो, अब मैं 1 चेन 1 हाफ डबल क्रोशिया, देखो 1 चेन 1 हाफ डबल क्रोशिया। अब मैं इस पे कोई भी चेन छोड़ रही नहीं हूँ। 1 चेन 1 हाफ डबल क्रोशिया, 1 चेन 1 हाफ डबल क्रोशिया, 1 चेन 1 हाफ डबल क्रोशिया। देखो, इस तरह मैं ये लाइन पूरी करूंगी। देखो, एक लाइन मेरी पूरी हो गई। अब फिर मैं 1 चेन 1 हाफ डबल क्रोशिया इसके बीच में बना रही हूँ। ये यहाँ पर 1 चेन 1 हाफ डबल क्रोशिया, 1 चेन 1 हाफ डबल क्रोशिया। बस इसके बाद फिर मैं आपको ये फ्लावर की कली बनानी बताऊंगी ऐसे। ये लाइन आपको ऐसे ही पूरी करनी है। ये देखो ऐसे। देखो, अब ये डिजाइन आपको कैसे बनाना है
ये बनाना मैं बताती हूँ। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, आपको ऐसे 10 चेन बनानी है। यहाँ पे आपको ये पहली वाली चेन में ऐसे एक चेन में देखो आपने 10 चेन बनाई, आप ये एक एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में ऐसे एक दो, ये बिना धागा लिए वाली फली तीन, एक चेन में आपको तीन तीन बार ऐसे बिना धागा लिए वाली फली लेनी है। ऐसे एक देखो ऐसे हमने क्रोशिया डाला और ऐसे निकाला, फिर इसको ऐसे निकाल दिया दो, फिर ऐसे डाला ऐसे तीन, फिर इसमें एक दो तीन, यहाँ पे ऐसे एक दो तीन, एक दो तीन, देखो हर एक चेन में मैं तीन तीन ये बिना धागे लिए वाली फली बना रही हूँ। ऐसे दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, और फिर यहाँ पर भी ऐसे एक दो तीन, फिर इसमें ऐसे एक दो तीन। देखो ये इस तरह आपकी ये फ्लावर की कलिये सी इकट्ठी हो जाएंगी, ऐसे ये अपने आप ही गोल हो जाती है। ऐसे देखो ऐसे, फिर यहाँ पर एक ऐसे, फिर इसमें 10, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10, 10 चेन बनाई, एक चेन छोड़कर हर एक चेन में ऐसे एक दो तीन, तीन तीन डबल क्रोश, ये तीन तीन बिना धागा लिए वाली फली बनानी है। ऐसे एक दो तीन, एक दो तीन, ऐसे आपको हर एक चेन में तीन तीन बनानी है, ये अपने आप गोल गोल होती चली जाएंगी। देखो इस तरह आपकी ये कलिये बन जाएंगी। ये बनाने का एक बार तरीका मैं आपको और बताती हूँ। देखो जैसे मैंने यहाँ पर एक दो तीन तीन बनाए, यहाँ पे मैं तीन बना रही हूँ, एक ये देखो ये मैंने यहाँ पे तीन बनाए, अब मैं यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10, 10 चेन बनाई, पहली चेन छोड़कर दूसरी चेन में मैंने ये बिना धागा लिए वाली हर एक चेन में मैं तीन 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 फली बनाऊंगी, और सब में बिना धागा लिए वाली तीन तीन फली बनानी है, एक दो तीन। देखो मैं हर एक चेन में तीन तीन बना रही हूँ, एक दो तीन, ऐसे आपको हर एक चेन में यहां तक तीन तीन बनानी है। देखो मैं आपको पूरी चेन बना के बता रही हूँ, एक
दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। और फिर देखो जो हमारी ये वाला है, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे ये वाली फली बनाई है, इसके बीच में भी मैं तीन बना रही हूँ, एक दो तीन, और तीन ही यहाँ मैं बराबर वाले इसमें बना रही हूँ बॉक्स में, एक दो तीन। अब देखो मैंने एक और एक दो, दो जाली में एक एक बनाया है। अब मैं यहाँ पर फिर तीन बना रही हूँ, एक दो तीन, फिर 10 चेन, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10। फिर आपको इसी तरह बनाना है। देखो अब आपको समझ में आया, 10 चेन बनाई, 10 चेन बनाकर हर एक चेन में बिना धागा लिए वाली तीन तीन फली डाली है, और फिर यहाँ पर जो हमने जोड़ा था इसमें भी तीन डाली है, फिर अगले वाले जो हमारी ये जाली है इसमें भी हमने तीन बनाया, फिर दो जाली में एक और एक में एक बनाया है, फिर तीन बनाए और फिर 10 चेन बनाए। देखो इस तरह हमें ये चारों तरफ ये वाला डिजाइन बनाना है। अब देखो अब हमें इसमें यहाँ पे दूसरा धागा जोड़ना है। जब हम इसको बनाते हुए आ जाएंगे तो हम यहाँ पे जब इसको जोड़ेंगे तो मैं आपको ये धागा ऊन जोड़ ऐसे, और इसमें मैंने एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, 8 चेन बनाकर देखती हूँ मैं यहाँ तक, ये ऐसे देखो ये चेन कम पड़ रही है, 9 10, मैं 10 चेन बना रही हूँ, और जो मैंने ये एक एक फली बना रखी है, दो बनाई है ना, इनके बीच में ऐसे जोड़ रही हूँ, देखो बिना धागा लिए वाली फली से, इसी वाली फली से ऐसे जोड़ रही हूँ, देखो ऐसे। आपको 10 चेन बनाकर हर एक में इसको ऐसे जोड़ना है, देखो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10। देखो अब मैं इसको फिर इन दो के बीच में जो जाल ये चेन है इसमें जोड़ रही हूँ, फिर 10 चेन, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10। फिर आपको इसमें जोड़ना है, यहाँ पे हर दो के बीच में आपको ऐसे ही जोड़ना है, और फिर इसके अंदर आपको ये, मैं यहीं से पलट के बता रही हूँ आपको, आपको तो उधर से आना है। देखो इसके अंदर आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको एक बिना धागा लिए वाली फली करनी है, फिर हाफ डबल क्रोशिया करना है, फिर इसके अंदर ऐसी फली डालनी है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर बिना धागा लिए वाली फली। फिर जब दूसरा शुरू करेंगे इसमें भी पहले बिना धागा लिए वाली फली, फिर हाफ डबल क्रोशिया, और फिर 12 डबल क्रोशिया, ऐसे ये देखो इस तरह आपकी ये ऐसे फली, और इनके बीच में आपके ये आ जाएंगे ऐसे, देखो इस तरह जैसे ये मैंने बनाई है, ये देखो ये ऐसे देखो, और ये देखो ये मेरे ऐसे ही बने हुए हैं, और ये ऐसे हो गए हैं, ये ऐसे देखो, और ये मैंने छोटी सी बिल्कुल सिंपल कैप बनाई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।